वेलकम ऑल, विश यू ऑल अ हैप्पी होली। भारत हमारा एक बहुत ही प्यारा सा देश है जिसके अंदर ढेरों त्यौहार मनाए जाते हैं और ये त्यौहार लेके आते हैं हमारी लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ। और जैसे कि हम सबको पता ही है कि कल है होली, और होली जो है वो रंगों का त्यौहार होता है। और इस टाइम पे हमें पूरी मार्केट हमें कलरफुल दिखती है, अपने घर में हमें ढेरों पकवान बनते हुए दिखते हैं, बहुत सारे रिलेटिव्स हमारे लिए बहुत सारी मीठी मीठी चीज़ें लेके आते हैं और मीठी मीठी बातें भी लेके आते हैं। और इस टाइम पे हमें अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखना है और कैसे हमें होली में यूज होने वाले जो केमिकल कलर्स हैं उनसे अपनी स्किन को बचाना है, इस सब के बारे में मैं आज आपके साथ डिस्कशन करूंगी। और कैसे आप हर्बल कलर्स जो है वो घर पे बना सकते हैं, और होली खेलने से पहले आपको अपनी स्किन पे क्या अप्लाई करना चाहिए ताकि वो जो कलर्स हैं वो आपकी स्किन को डैमेज ना करें, और पोस्ट होली आपको कैसे अपनी स्किन को रिजुविनेट करना है, इन सब बातों का डिस्कशन हम आप इस वीडियो में करेंगे। और साथ ही साथ हम ये भी डिस्कशन करेंगे कि होली का जो है क्या महत्व है और क्या क्या लीजेंड्स जो हैं इस होली के त्योहार के पीछे हैं। अब बात करें इसके महत्व की, तो ये मोस्टली हिंदुस्तान और नेपाल का त्यौहार है, बट ये त्यौहार अब पूरी दुनिया में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है क्योंकि ये इस हिंदुस्तान और नेपाल तक ही सीमित नहीं रहा है। अब हिंदू कल्चर में कहा जाता है जब भगवान विष्णु जी के भक्त प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यप ने होलिका की गोद में बिठा के उनको जलाना चाहा, तो होलिका का शरीर जो है वो पूरा जल गया, पर प्रहलाद जी जो विष्णु जी की कृपा से वो पूरी तरह से सही सलामत बाहर आ गए। तो इस तरह से इस त्योहार को बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत के रूप में भी मनाया जाता है। दूसरी जो लीजेंड इसके पीछे मानी जाती है, क्योंकि इस फेस्टिवल को हम फेस्टिवल ऑफ लव भी कहते हैं, इसका कारण है कि कृष्ण जी जो थे वो जब छोटे थे तो उनका स्किन का कलर है जो वो बहुत डार्क था और वो सांवले कलर के माने गए हैं, तो उनको राधा रानी और उनकी सखियों को देख के बहुत ही ज़्यादा ईर्ष्या होती थी कि इनका रंग इतना गोरा क्यों है और मेरा रंग जो है वो इतना काला क्यों है। तो एक दिन उन्होंने यशोदा मैया से पूछा कि माँ मेरा रंग इतना काला क्यों है और जो राधा है वो इतनी गोरी क्यों है। तो माँ यशोदा ने कहा कि तुम जाके राधा रानी से कहो कि जो कलर वो चाहती है वो तुम्हारी स्किन के ऊपर लगा दे ताकि तुम्हें वो प्यार करे और वो तुम्हारे साथ फ्रेंडशिप कर दे। तो इस तरह से जब वो राधा रानी के पास गए तो राधा रानी ने उन्हें उनके ऊपर ढेरों कलर डाल दिए और इस तरह से वो एक कपल बन गए, और इस त्योहार को तब से ही फेस्टिवल ऑफ लव की फॉर्म में कलर के साथ मनाया जाता है। अब ये जो त्यौहार है वो सिखों में भी मनाया जाता है। सिखों में मोस्टली ये 19th सेंचुरी से त्यौहार मनाना शुरू किया गया। कहा जाता है जो सिखों के जो 10th गुरु थे श्री गुरु गोविंद सिंह जी, उन्होंने होली को इसको एक नई फॉर्म दी, इसको होला महल्ला का नाम दिया। तो इसमें 3 दिन का फेस्टिवल जो है वो कॉन्टिन्यूस चलता है, आनंदपुर साहिब में इसका पूरा मेला लगता है। तो इसमें जो उनके सिख थे वो मार्शल आर्ट्स, गतका, अपने सारे जो कैलिबर हैं उनकी आर्ट्स हैं उनका शो करते थे, और वो उसमें जो मॉक बैटल्स करते थे उन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करते थे, आपस में वो गतका की जो भी मार्शल आर्ट्स हैं उनकी प्रैक्टिस करते थे, और इस तरह से वहाँ पे होला महल्ला का पूरा फेस्टिवल मनाया जाता है। ना अब हम बात करेंगे कि कैसे आप हर्बल कलर घर पे बना सकते हैं। हर्बल कलर बनाने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं नीम का, कुमकुम का, हल्दी का, मेहंदी का यूज़ कर सकते हैं, और बहुत सारे फ्लावर्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, हर्बल एक्सट्रैक्ट्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आप रेड कलर कैसे बना सकते हैं। रेड कलर बनाने के लिए आपको लेने हैं पलाश के फूल लेने हैं, रेड सैंडलवुड लेनी है, आपको मदार की लीव्स लेनी है, और आपको लेना है हिबिस्कस का फ्लावर लेना है, और उसके अंदर आप डालोगे ड्राई फॉर्म ऑफ अनार का जो पाउडर होता है वो आप डालोगे, और इन सब चीजों को मिक्स करने के बाद आपके पास एक बहुत ही प्यारा रेड कलर तैयार हो जाएगा। ग्रीन कलर बनाने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं मेहंदी का। मेहंदी के लीव्स आप लेके, मेहंदी का पाउडर आप लेके उसके साथ मिक्स कर लेंगे आप गुलमोहर के लीव्स को, और इन दोनों को जब आप मिक्स करेंगे तो आपके पास ब्राइट ग्रीन कलर का एक पाउडर तैयार हो जाएगा जिसको आप केमिकल वाले ग्रीन कलर से रिप्लेस कर सकते हैं। और अगर आपको येलो कलर तैयार करना है तो आप यूज़ कर सकते हैं हल्दी का, उसके अंदर आप बेसन डाल सकते हैं, और उसके अंदर आप बेल के लीव्स डाल सकते हैं, बेल का पाउडर डाल सकते हैं, और इससे बहुत ही अच्छा एक फ्लोरेसेंट सा येलो कलर आपके पास तैयार हो जाता है।
और ब्लू कलर बनाने के लिए आप यूज कर सकते हैं इंडिगो प्लांट का और बेरीज का आप यूज कर सकते हैं, बिकॉज इनका कलर ब्लू होता है, जब ये आपस में मिलते हैं तो ये ब्लू कलर देते हैं। और पर्पल कलर जो बनाने के लिए, अगर आपको लिक्विड पर्पल कलर चाहिए, आप अपने जग में भरना चाहते हैं लिक्विड कलर, तो आप यूज कर सकते हैं बीट रूट का और उसको आप बॉयल कर सकते हैं पानी के अंदर। तो जब आप बीट रूट को बॉयल करते हैं तो ये पर्पल कलर का पानी बना देती है जिसको आप अपने जग में भर के यूज कर सकते हैं। और ब्राउन कलर जो है वो आप कैसे बना सकते हैं, वो आप टी के जो लीव्स हैं या चाय पत्ती जो होती है उसको आप बॉयल कर सकते हैं, उसको आप ठंडा होने के बाद अपने जर्स में भर सकते हैं, तो आपको ये बहुत ही अच्छा ब्राउन कलर आपको देता है। ना अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है होली खेलने से पहले। होली खेलने से पहले आपको ये चीज जरूर ध्यान रखनी है कि आपने अपनी स्किन को मॉइस्चराइज जरूर करना है, और मॉइस्चराइज करने के लिए आप हेड टू टो अपनी स्किन के ऊपर लगा सकते हैं ऑलिव ऑयल, एलमंड ऑयल या कोकोनट ऑयल। आपने इतना ऑयल अपनी बॉडी के ऊपर लगाना है ताकि वो आपकी स्किन की पोर्स में अच्छी तरह से चला जाए और किसी भी तरह का कलर जो है वो आपकी स्किन में ना जाने पाए। सेकेंड जो पॉइंट आपने ध्यान में रखना है कि आपने सनस्क्रीन जरूर लगाना है, बिकॉज सन की वजह से आपकी स्किन जो है वो डैमेज हो सकती है, बर्न हो सकती है। अगर आप सनस्क्रीन लगाएंगे तो वो आपकी स्किन को सन की रेस से बचा के रखेगा। थर्ड जो पॉइंट आपने ध्यान रखना है कि आपने अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है, क्योंकि होली खेलते टाइम हमारी जो बॉडी है पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाती है। ऐसा ना हो कि आप खेलते खेलते पानी को पूरी तरह से भूल ही जाएं, तो आपको अपनी स्किन को, अपनी बॉडी को हाइड्रेट जरूर रखना है। फोर्थ पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है कि आपको अपने नेल्स को जरूर कट करना है, बिकॉज नेल्स के अंदर केमिकल कलर्स जो हैं या किसी भी तरह के कलर्स जो हैं वो फंस जाते हैं, जो धीरे 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 हमारी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब होते रहते हैं, जो बाद में हार्मफुल हो सकते हैं और हमारी नेल्स के अंदर इन्फेक्शन कर सकते हैं और हमें स्किन एलर्जीज कर सकते हैं। इसलिए होली खेलने से पहले आपने अपने नेल्स जरूर कट कर लेने हैं। और जो पॉइंट आपने ध्यान रखना है कि आपने अपने लिप्स को भी पूरी तरह से कवर करके रखना है, जैसे आपने अपनी बॉडी को कवर किया है। लिप्स को कवर करने के लिए आप इसके ऊपर पेट्रोलियम जेली लगा सकते हैं या कोई भी हर्बल लिप बाम आप लगा सकते हैं, और कोकोनट ऑयल का आप यूज कर सकते हैं। इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए ही आपको होली खेलनी है। अब होली तो हमने खेल ली, अब होली के बाद मेन जो काम आता है कलर्स को अपनी बॉडी से बाहर निकालना, अपने हेयर से बाहर निकालना। आपको ठंडे पानी से अपने बॉडी के जो कलर्स हैं उनको बाहर निकालना है। अपने हेड के ऊपर पहले आपने ठंडा पानी डालना है, उसके बाद आपने यूज करना है आइस पैक। आइस पैक को आप अपने फेस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, जिसके साथ आपकी जो स्किन है पूरी तरह से रिजुवेनेट हो जाती है। एंड आइस पैक लगाने के बाद आपने यूज करना है अपने फेस के ऊपर फेस मास्क। फेस मास्क आप मार्केट से भी बाय कर सकते हैं, बहुत सारे हर्बल फेस मास्क मार्केट में अवेलेबल होते हैं। बट अगर आप मार्केट से नहीं बाय करना चाहते तो आप खुद भी एक फेस मास्क घर पे बना सकते हैं। आप टर्मरिक लेंगे, उसमें कर्ड लेंगे और थोड़ा सा हनी मिलाएंगे, तो उसको आप अपने फेस के ऊपर लगाएंगे, उसको 10-15 मिनट्स आप रखेंगे, उसके बाद उसको आप वॉश कर देंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी स्किन जो है दोबारा से ब्रीथ करने लगेगी और आपको स्किन रिजुवेनेशन का फील आपको आएगा। और जो आप यूज कर सकते हैं अपनी स्किन के ऊपर, आप यूज कर सकते हैं एलोवेरा का जेल। एलोवेरा का जेल आप लगाएंगे तो उससे भी आपकी जो स्किन है वो पूरी तरह से रिजुवेनेट कर जाती है। और एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि पोस्ट होली आपको ब्यूटी पार्लर से पूरी तरह से दूर रहना है, आपको किसी भी तरह के स्किन ट्रीटमेंट्स नहीं लेने हैं, क्योंकि आपकी स्किन जो है ऑलरेडी बहुत सारे कलर्स का एक्सपोज उसको हो चुका होता है, बहुत सारे केमिकल्स ना चाहते हुए भी हमारी स्किन के अंदर चले जाते हैं। इसलिए अपनी स्किन को ब्रीथ करने देना चाहिए और किसी भी तरह के हार्श मेकअप से हमें दूर रहना चाहिए। कोई भी तरह का एक्सक्लूसिव हमें मेकअप का यूज अपनी स्किन पे नहीं करना है। आई होप आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगेगी और आपको हेल्पफुल होगी होली मनाने के लिए। और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड विश यू ऑल अ हैप्पी होली अगेन। थैंक यू सो मच।